हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल आज हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर ये आपके एग्जाम का मार्किंग पैटर्न है ठीक है जिसमें आपको पांच सेक्शंस देखने को मिलेंगे ए बी सी डी ई ठीक है जो सेक्शन ए होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेन करेगा ठीक है असरशन रीजनिंग क्वेश्चन कंटेन करेगा जो कि वन मार्क एट क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होंगे सिक्सटीन होंगे ठीक है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके चैप्टर वाइज वीडियो हम बना चुके हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी वहाँ से जाके पढ़ लेना ठीक है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं वो टू मार्क्स होंगे ठीक है टू मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा ठीक है जो कि फाइव इन नंबर होंगे जो सेक्शन थ्री होगा वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जिसमें थ्री मार्क्स क्वेश्चन होंगे ठीक है क्वेश्चन जो है वो थ्री मार्क्स कंटेन करेगा सेवन नंबर होंगे ठीक है जो केस पेस क्वेश्चन होंगे आपके ठीक है उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा ठीक है उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है वो टू इन नंबर होंगे ठीक है और हर एक क्वेश्चन जो है वो फोर मार्क्स कंटेन करेगा जो सेक्शन ई e होगा ठीक है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंटेन करेगा फाइव मार्क्स ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा ठीक है और थ्री इन नंबर्स होंगे ठीक है टोटल आपका बायोलॉजी का पेपर सेवेंटी मार्क्स का होगा एम सीरीज़ हम कर चुके हैं अब इसमें हम मार्क वाइज क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ेंगे ठीक है तो पहले आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो वन मार्क कैरी करते हैं क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर देयर तो जो मेजर टाइप ऑफ माइक्रोव होते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं फंजाए होते हैं प्रोटोजोआ होते हैं एल्गी होते हैं और वायरसेस होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रोव अब माइक्रोव को यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ मैनी फूड आइटम्स लाइक मेडिसिन मेकिंग मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड जो साइंटिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को फॉर द रिसर्च इन देयर लैब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज यूज फॉर मेकिंग मिल्क इन टू करट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है लेक्टोबैसील होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड एल ए बी एल ए बी की फुल फॉर्म क्या है लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एन यू टू फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो एजो बैक्टर और एजो स्पाइरलम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनिज्म यूज इन द डफ फॉर मेकिंग ब्रैड्स तो सैक्रोमाइसिस जो वो यूज़ होता है डफ में फॉर मेकिंग ब्रेड्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फंगस यूज एज अ बायो कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज तो जो फंगस यूज होता है एज अ बायो कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज उसे हम क्या बोलते हैं ट्राइकोडर्मा बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू गैसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज तो दो गैसेज कौन कौन सी होगी मिथेन होगी हाइड्रोजन सल्फाइड होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेडिकल यूज ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो यूज होता है एज एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पेस्ट दैट लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज हेल्प टू गैट ट्रीड ऑफ रिस्पेक्टिवली तो एफिड्स जो होते हैं वो वो पेस्ट होती है जो कंट्रोल्ड होती है बाई बाई लेडी बर्ड बीटल और जो मॉस्क्यूटोज़ होते हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय ड्रैगन फ्लाइज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेज ज्यूरिंग मेटाबॉलिज्म तो जो ब्रेड और पफ्ड डफ होता है ठीक है वो सूटल एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया रिलीजिंग गैसेज ज्यूरिंग मेटाबोलिज्म का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंटरफेर जो इंटरफेरस होते हैं वो वो प्रोटीन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं बाय द सेल इन रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन ठीक है ये हेल्प करते हैं इन फाइट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेन द इंफॉर्मेशन दैट द हेल्दी वर्कर्स ड्राइव बाई मेजरिंग द बी ओडी ऑफ द वाटर बॉडीज तो जो बी ओडी होता है वो कंटेन करता है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर ठीक है अगर हायर बी ओडी होगा वाटर बॉडी का ठीक है तो उसकी ज़्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगी ठीक है अगर बीओडी जो वाटर का होगा वो कम होगा तो वो लेस पोल्यूटिंग होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस तो जो साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनिज्म का जो मोल्ड है वो फॉर्म हुई थी जो कि एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है ठीक है और और प्रोड्यूस हुई थी इन पैलिसीनियम नोटेटम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंजाइम विच इज़ यूज एज अ ब्लोड बलस्टर टू रिमूव द ब्लड क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वैसेल ऑफ़ द पेशेंट तो स्टेपटो है वो यूज किया गया था ठीक है ये वो एनजाइमे जो यूज़ किया गया था क्लॉट ब्लस्टर में टू रिमूव द ब्लड क्लॉट द ब्लड वैसेल ऑफ़ द पेशेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर बिग होल्स इन स्विच चीज तो बिग होल क्यों होते हैं स्विच चीज में क्योंकि उसमें बैक्टेरियम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं प्रोप्योनी बैक्टेरियम शेरमानाई जो रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रेगमेंटर टू केटर टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सच एस ब्रीवरेज एंड एंटीबायोटिक्स इन इंडस्ट्रीज जो माइक्रोव हैं वो ग्रो कराए जाते हैं इन द लार्ज वेसल जिसे हम क्या बोलते हैं बायो रिएक्टर बोलते हैं या फिर फर्मेंटर्स बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट टू इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंट एंजाइम्स तो प्रोटीस और पैक्टिनेस जो है यूज होता है इन मेकिंग कॉमर्शियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस एज क्लैरिफाइंग एजेंट ठीक है ये हेल्प करता है इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री जो कि यूज होते हैं इन द डिटर्जेंट फार्मोलेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एंड इम्यून इम्यूनो रिप्रेसिव एजेंट तो जो फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिसपरम है ठीक है वो यूज होता है वो प्रोड्यूज करता है साइक्लोस्पोरिन ए जो कि यूज होता है एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ रोड शेप्ड वायरस तो टोबैको मोजैक वायरस जो है वो रोड शेप वायरस होता है ठीक है नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो टू मार्क्स कैरी करते हैं क्वेश्चन है मेंटेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया टू ह्यूमन अदर देन सेटिंग मिल्क इन टू करड तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो चेक करता है डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हमारे स्टमक में ठीक है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं लैक्टिक एसिड बोलते हैं ठीक है जो कि इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ठीक है ये ब्रीवरेजिस मीट प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है कन्फेक्शनरी में भी यूज़ करता है और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू एंटीबायोटिक्स डू इन आवर बॉडी तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो मेडिसिन होती हैं जो फाइट करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जैसे कि फंजाए बैक्टीरिया वायरस हो गया ठीक है पीपल में एनिमल्स में ठीक है और कैसे वर्क करती हैं वो किल कर देती हैं बैक्टीरिया को ठीक है या फिर बैक्टीरिया के लिए हार्ड बना देती हैं उस एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए ठीक है और डबल होने के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स अ फार्मर इज एडवाइज टू एड अ कल्चर ऑफ बैक्टीरियम इन द सॉइल बिफोर सोइंग द क्रॉप नेम द बैक्टीरियम इन द कल्चर हाउ इज़ दिस बैक्टीरियम यूजफुल फॉर द क्रॉप तो जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ठीक है वो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इम्प्रूव कर देते हैं सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी ठीक है जो एजो और एजो हो गया वो वो बैक्टीरिया हो गया जो फाउंड होता है बैक्टीरियम एज और एजो स्पाइर ठीक है ये जो बैक्टीरियम होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि यूज होते हैं एज द फर्टिलाइजर बाय प्लांट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द बैक्टीरिया एडेड टू सेट द मिल्क इनटू कर्ड एक्सप्लेन तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड होता है एज बैक्टीरिया वो एड किया जाता है टू द मिल्क और मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द स्टार्टर ग्रो ग्रो इन दिल्क और उसे कन्वर्ट कर देते हैं इन टू दर्ट ठीक है इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है जो एसिड प्रोड्यूस होता है बाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ठीक है कोगुलेट कर देता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को और इंक्रीज कर देता है विटामिन बी ट्वेल्व की कंटेंट को अपने साथ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइड द वेरियस स्टेप ऑफ फर्मेंटेशन तो फर्मेंटेशन के मेजर स्टेप कौन से हो गए रिकवरी ऑफ द प्रोडक्ट हो गया स्टरलाइजेशन हो गया ऑफ फ्रैगमेंटर मीडियम इन स्टीम ये कैरी आउट होता है अंडर द प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ठीक है इनऑक्यूलेशन होती है ऑफ अ सिलेक्टेड स्ट्रेन ऑफ अ यीस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट एट व्हाट स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड द बीओडी लेवल ऑफ थ्री सैंपल ऑफ वाटर लेवल एज ए बी एंड सी ए का लेवल क्या है थर्टी एम जी पर लीटर बी का लेवल टेन एम जी पर लीटर और सी का लेवल फाइव हंड्रेड एम एल पर लीटर ठीक है तो कौन सा सैंपल इसमें से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होगा ठीक है तो जो बी ओडी होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डेटरमाइन करता है कितनी जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सैंपल में होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को ठीक है तो स्टेज कौन सी होगी सीवेज ट्रीटमेंट की सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं ठीक है अब इनमें से जो सैंपल सी है जिसमें फाइव हंड्रेड एम एल पर लीटर बी ओ डी लेवल है ठीक है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा ठीक है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बी ओ डी लेवल है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू एल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वे बाय डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन तो डिस्टिलेशन से कौन सी ड्रिंक प्रोड्यूस होती है विस्की ब्रांडी और रम ठीक है और बिना डिस्टिलेशन के कौन सी ड्रिंक प्रिपेयर होती है वाइन और बियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फॉलोइंग एसिड एंड एंजाइम प्रोड्यूस बाय द माइक्रो लैक्टिक एसिड में क्या है? होता है ये प्रोड्यूस होता है लैक्टोबैसिलस और ये कन्वर्ट कर देता है को इनटू कर्ड ठीक है लाइपेज में क्या होता है ये यूज़ होता है वॉशिंग पाउडर प्रिपरेशन में और ये रिमूव करता है ऑयली स्टेन्ज को फ्रॉम द क्लोथ ठीक है फैक्टिनेस किस में यूज होता है फ्रूट जूस क्लियरिंग में यूज़ होता है ठीक है स्टेप्टोकाइनेस जो है वो रिमूव करता है ब्लड क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द पेशेंट विद माइक्रोकार्डियल रिएक्शन एज अ क्लोट ब्लस्टर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन माइक्रोब्स बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो इफेक्टिव वे होता है प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट को अगेंस्ट द डिसीज और एनहेंस कर देता है प्लांट की ग्रोथ को ठीक है बट ये कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स ठीक है ये जो केमिकल्स होते हैं वो हार्म करते हैं प्लांट को अगर लार्ज क्वान्टिटी में दिए जाएँ प्लांट को तो ठीक है ये एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन की हेल्थ को और एनवायरमेंट को भी ठीक है इसलिए जो माइक्रोब होते हैं वो डिवाइज किए जाते हैं एज एन अल्टरनेटिव ठीक है जो माइक्रोब जैसे कि बेसिलसथेरजिस हो गया राइजोबियम हो गया ठीक है ये यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल पेस्ट और सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए और प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए ठीक है ये जो होते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और ह्यूमंस और प्लांट हेल्थ के लिए टॉक्सिक भी नहीं होते ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टेरियम मैंशन सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशन तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है कार्ड में ठीक है इसकी एप्लीकेशन क्या होगी फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होगी इंटू कार्ड जो कि प्रोड्यूस होती है बाई बैक्टीरियम ठीक है मल्टीप्लीकेशन होगी ऑफ बैक्टीरियम जो कि इंक्रीज हो जाता है अपने नंबर में और कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कार्ड में ठीक है ये कंटेंट जो होता है विटामिन बी ट्वेल्व का वो भी इंक्रीज कर देती है कार्ड में ठीक है ये जो प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है स्टमक में ठीक है वो चेक करते रहते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ठीक है नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो थ्री मार्क कैरी करते हैं क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ दिस स्लज इज़ यूज्ड इन द बायोगैस प्रोडक्शन तो बायोगैस फॉर्मेशन जो होती है स्लज एक्टिवेशन में ठीक है इसमें क्या होता है स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज जो है वो पम्प कर दिया जाता है इन द एरिएशन टैंक और सर्व करता है एज इनोकुलम ठीक है ये ग्रो करता है इन द फ्लोज और कंज्यूम कर लेता है ऑर्गेनिक मैटर को और रिड्यूस कर देता है उसके बी लेवल को ठीक है जो रिमेनिंग पार्ट रहता है स्लज का ठीक है वो पंप कर दिया जाता है इनटू द लार्ज टैंक जिसे हम क्या बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं ठीक है इसमें क्या होता है जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑफ द स्लज ठीक है अब ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया मिथेन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज प्राइमरी स्लज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज वट टाइप ऑफ चेंज इन द स्लज इज कैरीड आउट इन एन एनोरोबिक स्लज डिजास्टर गिव द कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो जो प्राइमरी स्लज होता है वो कंसिस्ट करता है सारे के सारे सॉलिड जैसे कि सॉयल हो गया स्मॉल स्टोन हो गया ठीक है जो कि सेटल हो जाते हैं इन द सेटलिंग टैंक ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट ठीक है जो एक्टिवेटेड स्लज होता है वो सेडिमेंट होता है ऑफ़ द बैक्टीरियल फॉल्क्स जो कि सेटल हो जाता है इन द सेटलिंग टैंक आफ्टर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट ठीक है जो बैक्टीरिया होता है स्लाइम होता है और फंगल फिलामेंट्स होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं टू फॉर्म द फॉल्क इन द एक्टिवेटेड स्लज ये जो पोर्शन होता है ऑफ एक्टिवेटेड स्लज का वो यूज होता है एज इनोक्यूम इन द ए एरिएशन टैंक और बाकी बचा हुआ सेंड कर दिया जाता है इनटू द एरोबिक स्लज डाइजेस्टर ठीक है एरोबिक्स लज डाइजेस्टर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं एनोरोबिकली और कंज्यूम करते हैं बैक्टीरिया को फंगस को और सेलुलोज को जो स्लज में होता है ठीक है जो बायोगैस होता है वो मिक्सचर होता है ऑफ द मिथेन हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है जो कि प्रोड्यूस होता है इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन लाइफ एक्सप्लेन इन ब्रीफ तो बहुत सारे हार्मफुल और कॉजिंग माइक्रो जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं ठीक है कुछ यूजफुल माइक्रोब्स भी जो हैं वो बेनिफिट करते हैं ह्यूमन को इन वेरियस वेस ठीक है अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या हो गया इनके ह्यूमन लाइफ में इंडस्ट्रियल वे में हो गया जैसे कि पेनिसिलिन और अदर केमिकल सब्सटेंस हो गया जो किल कर देता है और हैम्पर कर देता है ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स ठीक है प्रोडक्शन होती है अल्कोहल ब्रीवरेज की ठीक है कुछ केमिकल्स और एंजाइम्स और अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वो प्रोड्यूस होते हैं बाय दिस माइक्रोब्स फॉर वेरियस ह्यूमन बींग यूज ठीक है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ये कैसे यूज होते हैं फॉर मेकिंग कर्ड फॉर मेकिंग इडली ब्रेड डोसा ठीक है फॉर मेकिंग कर्ड चीज़ पनीर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन सीवेज ट्रीटमेंट तो फॉलोइंग टेक्निक्स जो होती हैं वो परफॉर्म होती हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट जैसे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया और टर्सरी ट्रीटमेंट हो गया ठीक है प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है इसमें फिजिकल सेपरेशन होती है सस्पेंडेड मटेरियल की जो कि सेटलिंग टैंक में होता है ठीक है इन ऑर्डर टू तो रिड्यूस बी ठीक है जो रॉ सीवेज होता है वो रोटेड होता है इन द मैसिव ओपन टैंक ठीक है जहाँ पे वो सब्जेक्टेड किया जाता है टू द एरोबिक डाइजेशन टू रिमूव सॉलिड फ्रैक्शन ठीक है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो रिलाय करता है ऑन माइक्रोबियल एक्टिविटी या तो एरोबिक या फिर एनरोबिक ठीक है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है वो इंक्लूड करता है सैंड फिल्टर फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एरिएशन ठीक है सूखने के बाद क्या होता है जो स्लज कलेक्ट किया जाता है फ्राफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं ठीक है और जो एफरेंट होते हैं वो अलाउ किए जाते हैं टू बी यूज फॉर टर्चरी ट्रीटमेंट ठीक है टर्चरी ट्रीटमेंट में क्या आता है ये केमिकल ट्रीटमेंट होता है टू एलिमिनेट इनऑर्गेनिक केमिकल्स एज वेल एज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है क्लोरिनेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन डिसइनफेक्शन प्रोसीजर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दिस टॉपिक एंड देयर यूजेस तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया जो है ठीक है ये प्रोडक्ट होता है इथेनॉल का ठीक है और यूज होता है इन मेकिंग स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड ब्रेविजेस ठीक है लैक्टोबैसिलस तो जो होता है वो प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड का ठीक है जो कन्वर्ट करता है मिल्क को इनटू द कर्ड और इम्प्रूव करता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द कर्ड बाय एनरिचिंग इट विद विद विटामिन बी12 ठीक है जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो यूज़ होता है एज अ क्लोटिंग ब्लस्टर जो हेल्प करता है इन द ब्लड वेसल्स बाय रिमूविंग क्लोटिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोगैस हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड नेम द माइक्रोब इन्वेड इन द बायोगैस प्रोडक्शन तो जो बायोगैस होती है वो वो गैस प्रोडक्शन होती है बाय एनोरोविक फ्रेगमेंटेशन ऑफ वेस्ट बायोमास ठीक है ये किसकी बनी होती है मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड्स की ठीक है और कुछ अदर थिंग्स की भी ठीक है जो माइक्रोब्स होते हैं वो फंड एम्प्लॉयड होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस जैसे कि हाइड्रोलेटिक बैक्टीरिया हो गया सचैस सेलुलोजम क्लोस्ट्रेडियम एक्सेट्रा बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कि साइंट्रोफोमस वॉल्फिया ठीक है मिथोनो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं मिथोजेनिक बैक्टीरिया का ठीक है जो बायोगैस प्लांट होता है वो फेड होता है बाय द कंक्रीट टैंक जो स्लरी होती है वो कवर्ड कर दी जाती है विद द फ्लोटिंग माइक्रोव जो कंटिन्यू करते हैं टू राइज वेन द गैस इज क्रिएटेड इन द टैंक ओइंग टू माइक्रोवियल एक्टिविटीज ठीक है ये जो बायोगैस प्लांट होता है वो इंक्लूड करता है आउटपुट जो कनेक्ट होता है टू द पाइप जो डिस्ट्रीब्यूट करता है बायोगैस को टू सराउंडिंग रेजिडेंस ठीक है जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिक पार्ट की ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट एंड ट्रैश इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस एंड ह्यूमस ड्यूरिंग द बायोगैस प्रोडक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू बायो फर्टिलाइजर्स एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल जो माइक्रोब्स बायोलॉजिकल चैनल में होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को फॉर ऑप्टिमम क्रॉप डेवलपमेंट ठीक है और उसे हम क्या बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं ठीक है जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो इंक्रीज की जा सकती है बाई यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स ठीक है जो सिलेक्शन होता है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इन्वॉल्व होता है हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग प्लांट ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स ठीक है टू मोबिलाइज द एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दीज आर इंट्रोड्यूस टू सीड्स रूट्स एंड सॉइल्स ठीक है इसीलिए क्या होता है ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होते हैं एनहेंसिंग द सॉयल विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ठीक है इनके पास एबिलिटी होती है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीशीज शो करती हैं ठीक है जो सिम्बॉयटिक बैक्टीरिया हो गया वो फाउंड होता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लैग्यमिनस प्लांट जिसे हम क्या बोलते हैं राइजोबियम बोलते हैं ठीक है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि एजो और एजोबैक्टर ठीक है जो एनेबीना नोस्टो और ऑसिल्टोरिया होता है ठीक है वो एग्जाम्पल होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग सैनोबैक्टीरिया का ठीक है जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो फाइव मार्क्स कैरी करते हैं क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड होता है वो इन्वॉल्व करता है ब्रीडिंग इंसेक्ट जो कि फीड करते हैं सम ऑफ द वीड और यूज करते हैं सर्टेन माइक्रोप्स जो जो कि प्रोड्यूस करते हैं डिसीज इन दीड्स और उसे एलिमिनेट कर देते हैं ठीक है कुछ कर, कुछ क्रॉप्स होते हैं जो अलाउ नहीं करती वीड ग्रोथ को ठीक है अपने आसपास उसे हम क्या बोलते हैं स्मूथ प्लांट कहते हैं जैसे कि बार्ले हो गया रे हो गया ठीक है ये जो होते हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं वीड को थ्रो केमिकल्स ठीक है पूरे इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रोथ होती है कैक्टी की वो चेक की जाती है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम से ठीक है जो टेक्निक होती है टू यूज़ फंगस स्पोर टू कंट्रोल वीड्स ये सूटल होती है क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती है फॉर द लॉन्ग टाइम ठीक है और रजिस्ट करती है एडवर्स कंडीशन में भी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी एकम्पलिश्ड तो बहुत सारे वेज हैं जिससे जो माइक्रोब्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जैसे कि केमिकल्स जो होते हैं वो कॉमनली यूज होते हैं टू कंट्रोल प्लांट डिसीज एंड पेस्ट इन द मॉडर्न सोसाइटी ठीक है हाउएवर जो केमिकल्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है एग्रीकल्चर में क्या होता है नेचुरल प्रोडेशन यूज़ की जाती है एज द फॉर्म ऑफ पेस्ट कंट्रोलिंग इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड ठीक है जो बेसिलेस थेजिस है ठीक है वो वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो यूज़ करते हैं टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर एंड अदर इंसेक्ट्स ठीक है जो ड्राइड स्पोर्स होती हैं बेसिलसथरेंजिस की ठीक है वो मिक्स की जाती हैं वाटर के साथ और स्प्रे कर दी जाती हैं सेंसिटिव प्लांट में जैसे कि ब्रेसिकास हो गया ठीक है जो टॉक्सिन्स होती हैं वो रिलीज होती हैं बैसिलस थ्ररेंजिस इंटस्टाइन में ऑफ द लार्वा और वो उसे किल कर देती हैं ठीक है, है। बट अदर इंसेक्ट्स को हार्म नहीं करती ठीक है, है ये जो नेचुरल फॉर्म ऑफ पेस्ट कंट्रोल होता है ठीक है ये हेल्प करता है टू रिड्यूज दूस द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन एग्रीकल्चर और मिनिमाइज कर देता है इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस ए बी सी डी ई एंड गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ठीक है तो पहला हमारा नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या दे रखा है पेनिसिलियम नोटेटम दे रखा है ठीक है कमर्शियल प्रोडक्ट जो है इसका पेनिसिलियम है ठीक है इसका यूज़ क्या होगा इसमें क्या होगा ये किल करेगा डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को ठीक है नेक्स्ट हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्ट दे रखा है हमारा लैक्टिक एसिड ये यूज़ होता है फॉर मेकिंग कर्ड ठीक है तो नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या होगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें स्टेप्टोकोकस दे रखा है कॉमर्शियल प्रोडक्ट हमें दे रखा है क्लोट ब्लस्टर एनजाइम इसका यूज़ क्या होगा ये रिमूव करेगी क्लोट को फ्रॉम ब्लड वेसल्स ठीक है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हमें दे रखा है ट्राइकोडर्मा पॉलिसपोरम कॉमर्शियल प्रोडक्ट हमें इसका बताना है यूज़ हमें दे रखा है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट तो कॉमर्शियल प्रोडक्ट क्या A हो गया इसका साइक्लोस्पोरिन ए हो गया ठीक है नेक्स्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें दे रखा है सेक्रोमाइसिस सेरोवेसिया ठीक है कॉमर्शियल प्रोडक्ट है इसका इथेनॉल इसका यूज़ क्या होगा ये यूज़ होंगे ब्रिवरेज में और मेडिसिन में ठीक है नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्ट हमें दे रखा है स्विट चीज़ यूज़ हमें दे रखा है फूड प्रोडक्ट इसका ऑर्गेनिज्म क्या होगा अपीओन बैक्टीरियम सेरोमाइसिया ठीक है तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस पूरे चैप्टर का पी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना पढ़ लेना अगर आपको इस चैप्टर के एम सी क्यूज पढ़ने हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वहाँ से जाकर पढ़ लेना ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर